हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सफीक। आप देख रहे हैं एमडी प्लस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में फिर से एक लोन एप्लीकेशन लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। यहां पे आपको 5,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे एज कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, इस ऐप के बारे में बताऊंगा, इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानना चाहते हैं और आप लोन लेना चाहते हैं इस एप्लीकेशन से, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन की डिटेल के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों, मैं एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ। एप्लीकेशन का नाम है कैश नाउ। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। दोस्तों, हम सबसे पहले इसकी रेटिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर पे इसकी रेटिंग है 3.6 की। दोस्तों, इसकी डाउनलोडिंग है करीब 1,00,000 से ऊपर की। अब दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे लोन आपको कितना मिलेगा। जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पे आप 5,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ में लगाना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कोई भी एक चीज अपना आइडेंटिटी प्रूफ में लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आपको और लगाना है, वो है पैन कार्ड। बस दोस्तों, आपको यहाँ पे इतने ही डॉक्यूमेंट्स देना है जो कंपनी की तरफ से बताया गया है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को पूरी देखते नहीं हो, जाके अप्लाई करने लगते हो, आपको लोन मिलता नहीं है, फिर आप कहते हो कि आपने गलत वीडियो बनाया है, लोन तो हमें मिला ही नहीं। दोस्तों, पहले आप लोग वीडियो को पूरी ठीक तरीके से देख लिया करो, समझ लिया करो, उसके बाद जाके अप्लाई किया करो, तभी आपको लोन मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज की। तो यहाँ पे आपकी कम से कम 21 साल एज होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 55 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कंपनी से लोन लेना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए हमें चलना होगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको दिखा देते हैं कि लोन हमें अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे कैश नाउ एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि स्टोरेज, कैमरा, कॉन्टैक्ट, फोन, SMS, लोकेशन, इन सब की परमिशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये सब मंजूर है आपको तो यहाँ पे ओके टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें अलाउ कर देना है। हमें अलाउ करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हमें कंटिन्यू विद फेसबुक पे, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आपने क्रेडिट भी एप्लीकेशन यूज किया होगा तो वैसे ही जैसे उसमें आपने फेसबुक से कनेक्ट करके अकाउंट बनाया था, वैसे इसमें भी आपको फेसबुक से कनेक्ट करके अकाउंट बनाना है। चलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू विद फेसबुक पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फेसबुक प्रोफाइल आ चुकी है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, हमने यहाँ पे पहले से अपना फेसबुक लॉगिन करके रखा है अपना, इस वजह से यहाँ पे कोई भी हमें यूज़र नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ा फेसबुक का। अगर आपने पहले से यहाँ पे लॉगिन नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है अपना फेसबुक, तब यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, जो आपका नाम होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि हमारा मोहम्मद सफीक शो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू एस मोहम्मद पे क्लिक कर देते हैं। तो थोड़ी देर हमें यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। दोस्तों, जैसे हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो यहाँ पे हमें गेट OTP पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, जैसे हम गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 अंकों का OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे हमें डाल देना है। तो जैसे कि OTP हमने डाल दिया, फिर हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अलाउ करना है, फिर से अलाउ करना है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैश नाउ का इंटरफेस आ चुका है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 3 अमाउंट दिखाया जा रहा है, एक है 5,000 का, एक है 10,000 का, एक है 1,00,000 रुपए का। तो अभी यहाँ पे ये सारा लॉक है, इसको हम ले नहीं सकते हैं। लोन लेने के लिए हमें इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ पे अपना अकाउंट कम्प्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे माई अकाउंट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे माई अकाउंट पर क्लिक करते हैं। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमें माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे माई प्रोफाइल पे क्लिक कर देते हैं। हम जैसे माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिक डिटेल पूछी जा रही है। जैसे कि यहाँ पे आपको फुल नेम देना है, जो आपके पैन कार्ड में है वही नेम देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, जो आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ हो वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको देनी है।
यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, मैरिज स्टेटस बताना है, हाईएस्ट एजुकेशन बताना है, लैंग्वेज आपको बतानी है अपनी, यहाँ पे आपको अपना धर्म बताना है। अगर धर्म वाला ऑप्शन जो है ऑफिशियल है, बताना जरूरी भी नहीं है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पेज पे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल देनी है, जैसे कि पैन कार्ड नंबर देना है और पैन कार्ड आपको अपलोड भी करना है, जैसे कि हमने आपको बताया है पैन कार्ड जरूरी है। और उसके अलावा आपको एक डॉक्यूमेंट्स और देना है, चाहे आप आधार कार्ड दे दीजिए, चाहे आप वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, चाहे आप अपना पासपोर्ट दे दीजिए, मतलब जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं उसका आपको फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको अपनी फोटो भी एक अपलोड करनी है खींच के। उसके बाद सारा कुछ अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो जो आपकी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों हम बैक चलते हैं। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम जैसे ही ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो नेम है वो ऊपर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बैंक नेम पूछा जा रहा है कि आपका बैंक में क्या नेम है। तो जो आपका बैंक में नेम है वो नेम यहाँ पे आपको देना है, अकाउंट नंबर दे देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड दे देना है। आईएफएससी कोड देने के बाद ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा बैंक अकाउंट है वो इस एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। दोस्तों अब हमने यहाँ पे प्रोफाइल की भी बात कर ली और यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट की भी बात कर ली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन और है कस्टमर सर्विस का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर हेल्प सेंटर में भेज दिया जाएगा। सारा कुछ दोस्तों जैसे यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे फिर से लोन पे क्लिक करना है। तो हम जैसे यहाँ पे लोन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर से वही होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका 5,000 वाला अमाउंट है दोस्तों वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको उस 5,000 पे क्लिक करना है। आप जैसे वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो आगे का प्रोसीजर है वो आपको बताया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने कभी क्रेडिट भी एप्लीकेशन से लोन लिया होगा तो जैसे वहाँ पे आपका प्रोसीजर होता है, लोन मिलता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको आगे का प्रोसेस करना है और आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा विद इन 3 मिनट के अंदर। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी अगर आप कोई सवाल वगैरह पूछेंगे तो मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।